सो अभी का जो एग्जांपल है ना, यहाँ पे हम लोग को विजिटर्स दिखाने हैं, कितने नंबर ऑफ विजिटर्स हमारे वेब पेज को विजिट करके गए हैं। डिस्प्ले द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑफ ऑन द गिवन वेब पेज। अब यार विजिटर्स कितने आए हैं, इसका मतलब होता है कि एवरी सेशन इज़ यूनिक। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपने लॉग इन कर दिया याहू के अंदर, और याहू को लॉग इन करने के बाद यू आर क्रिएटिंग अ वन सेशन, इट इज़ सिंपल कॉल्ड अ सेशन। ओके, तो आप जितने भी सेशन अटेंड करते हो, मतलब आप कितनी बार भी लॉग इन करते हो, एवरी टाइम वेन एवर यू लॉग इन यू आर अ विजिटर। ओके, और एक कैसे आप लॉग इन करते हो तो आप हिट कर रहे हो उसे। सो एवरी सेशन इज़ यूनिक, सो लेट्स वर्क ऑन दिस सेशन। बट फॉर दिस वी विल नीड अ हेल्प ऑफ ग्लोबल डॉट ए एस एक्स फाइल। सो चलो देखते हैं फर्स्ट। ओके, लेट्स यूज योर विजुअल स्टूडियो, लेट्स गो टू राइट क्लिक एंड यहाँ पे ग्लोबल डॉट ए एस एक्स पहले बना रहेगा तो हम लोग को निकालना पड़ेगा उसको, बट नो वरीज देयर, राइट क्लिक ऑन इट, लेट्स क्लिक ऑन एड एंड क्लिक ऑन एड न्यू आइटम, और उसके अंदर जाकर आपको ग्लोबल फाइल एक्सेस करनी है तो जी दबा दो यार। इसके अंदर ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट ग्लोबल डॉट ए एस एक्स। ये फाइल पूरे एप्लीकेशन के लिए सिर्फ एक ही होती है। ओके, और ये हैंडल करता है आपका दो चीज़ें। ओके, देर आर टू थिंग्स विच यू कैन हैंडल इट, एक एप्लीकेशन वेरिएबल होता है और एक सेशन वेरिएबल होता है। जैसे ही आपका कोई भी बंदा आएगा, मतलब उसका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसने एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है। ओके, वेन एवर ही कनेक्ट्स ही हैज़ टू इंक्रीमेंट अ वेरिएबल, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। सो यहाँ पे लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हम लोग के पास एक यूज़र है, उसको मैंने एक सेशन बना के दिया है, मतलब एक नॉर्मल वेरिएबल है। ओके, बट दैट वेरिएबल इज नथिंग बट योर्स अ वेरिएबल विच इज़ कॉल्ड एज एप्लीकेशन वेरिएबल। सो एप्लीकेशन वेरिएबल आपको शायद से पता रहेगा, इट इज़ कॉमन फॉर एवरी वन। सो लेट स्टार्ट। अब यहाँ पे बोलता हूँ यूज़र काउंट, ओके दैट्स इट। अभी ये यूज़र काउंट नाम का वेरिएबल बना दिया, लेकिन सेशन क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग कॉन्करेंसी एक्सेस करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग से ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों यूज़र एक साथ एंट्री कर दे और उससे क्या हो जाए, एक बार ही इंक्रीमेंट हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो। जैसे कोई सेशन एंटर करेगा, अपना काम हो जाने के बाद एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हो। सो लेट्स यूज सभी कॉलम्स, लेट्स टर्मिनेट इट एंड देन अनलॉक इट। ओके, सो लेट्स यूज अनलॉक, दैट्स इट। अभी ये जो वेरिएबल है इसको मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, बट दिस इज अ वेरिएबल विच इज गोइंग टू गिव मी सम डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट, दैट इज नथिंग बट एच टी टी पी एप्लीकेशन सेट, विच इज नॉट द वेरिएबल। सो आई डोंट थिंक सो वी कैन कन्वर्ट इट इन टू एन इंटीजर। ओके, मतलब डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ओके एंड देन प्लस वन, सो दिस इज कॉल्ड अ सेशन एंड के लिए मैंने लिखा, गलत कर दिया। आई हैव टू राइट इन सेशन स्टार्ट, एवरी यूजर वेन एवर इट कम्स ही हिट्स अ मेथड कॉल्ड अ सेशन स्टार्ट। सेशन स्टार्ट तब होगा जब आपका कोई यूज़र एंटर करेगा। एप्लीकेशन स्टार्ट कब होता है कि जब भी आप लोग एप्लीकेशन को डिप्लॉय मारते हो, मतलब रन करने के लिए जब पहली बार उसको डिप्लॉय करते हो सर्वर के ऊपर, मतलब सिंपल राइट क्लिक करके आप लोग वीविन ब्राउजर करते हो, दैट इज़ कॉल्ड अ डिप्लॉयमेंट। तो एप्लीकेशन तभी स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको आपके सेशन वेरिएबल्स को या एप्लीकेशन वेरिएबल्स को आपको अगर इनिशियलाइज करके या फिर सेट करके रखना है, तो आप लोग एप्लीकेशन स्टार्ट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे को इसका कुछ मतलब नहीं गिरने वाला है। सो आई विल बी डायरेक्टली यूजिंग सेशन स्टार्ट, सो वेन एवर एनी यूजर्स कम्स He will increment your user count नाम का application variable. So यहाँ पे हम लोग एक नया page बनाते हैं, उसको बोलते हैं hits. Let's add a web form called as hits. That's it. And then in hits, let's write a response dot write. क्योंकि इसके अंदर कुछ क्या करना ही नहीं है ना, सिर्फ कितना hits हुआ है वो दिखाने का है. तो application variable है, that is called as user count. ओके, सो लेट्स सी किधर है, हाँ यूज़र काउंट। ओके, सो यूज़र काउंट का मैं टू स्ट्रिंग कर देता हूँ तो काम हो गया तमाम। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि एवरी यूज़र का सेशन इज़ यूनिक। सो आई एम यूजिंग दिस ब्राउज़र, दिस इज़ वन ऑफ माई ब्राउज़र विच इज़ गोइंग टू हिट एंड इज़ गोइंग टू डिस्प्ले मी सम आउटपुट।
सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू गिव. इज गिविंग मी वन, क्योंकि एक विजिटर है. अभी नवा सेशन जब तक नहीं बनता तब तक हिट इंक्रीमेंट नहीं होगा. सो यू कैन चेक इट आउट. ओके, सो आई डोंट नो व्हाई इट इज टेकिंग टाइम टू एग्जीक्यूट इट, बट इट इज टेकिंग टाइम, मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड. ओके, इट शुड एग्जीक्यूट. ओह, यू गॉट इट. ओके, नाउ इफ यू ओपन ए मोज़िला, आई डोंट थिंक सो आई हैव मोज़िला. आई हैव इंटरनेट एक्सप्लोरर. तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक दूसरा ब्राउजर हो जाएगा जिसके अंदर हम लोग इसे ओपन करेंगे, तो ये नया सेशन हो जाएगा. ओके, दैट्स इट. सो एवरी टाइम वेन एवर यूजर इज गोइंग टू हिट द पेज, global.asx इज गोइंग टू गेट कॉल्ड. ओके, एवरी टाइम वेन एवर द यूजर इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू सेशन, global.asx में का एक मेथड कॉल हो जाने वाला है, उसका नाम है सेशन स्टार्ट. ओके, और इसी के अंदर हम लोग अपने वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे हैं. ओके, it's very simple, I can say pretty simple. Okay.